जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का देश भर में स्वागत किया जा रहा है। देश के हित में लिया गया ये फैसला ऐतिहासिक करार दिया गया। हमीरपुर में इस फैसले को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिला। भाजपा नेताओं के अलावा शहर के लोगों ने गांधी चौक पर भारत माता की जयकार के नारे लगाए और पटाखे फोड़ लड्डू बांट कर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिमाचल सह प्रांत कार्यवाहक चंद्र प्रकाश ने धारा 370 को हटाने को अराष्ट्रीयता पर राष्ट्रीयता की विजय करार दिया। इससे पूर्व सभी कार्यकर्ताओं ने मृदुल चौक पर शहीद मृदुल की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर व दीप प्रज्वलित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके उपरांत गांधी चौक तक विजय रैली भी निकाली गई। वहीं हमीरपुर क्षेत्र के विभिन्न उपमंडलों में भी धारा 370 हटाए जाने पर जश्न मनाया गया। सुजानपुर में नगर कार्यवाहक सोमदत्त शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने पटाखे चलाकर व मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुंगोटा में आयोजित होने वाले जनमंच के पूर्व जनमंच चरण में आज बिजड़ी विकास खंड की ग्राम पंचायत कुलहेड़ा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा लोगों को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। उद्योग इस अवसर पर उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री संवाद रमन योजना, स्टार्टअप, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। पशुपालन विभाग की ओर से पशु औषधालय समताना में पालतू व आवारा कुत्तों के टीकाकरण के लिए शिविर लगाया गया। इस दौरान रैबिस प्रतिरोधक टीके इन्हें लगाए गए। इसके अतिरिक्त पशुओं की चिकित्सा व बाचपन के उपचार से संबंधित शिविर भी आयोजित किया गया। अन्य विभागों की ओर से भी विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को उपयोगी जानकारी प्रदान की गई और दस्तावेजों की जाँच इत्यादि भी की गयी। मंडलाधिकारी बरसर प्रदीप कुमार ने बताया कि 6 अगस्त 2019 को ग्राम पंचायत सोहारी में सुबह 10 बजे से तथा दोपहर बाद 2 बजे से ऐसे ही शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे इन शिविरों के दौरान सेवाओं का भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जनमंच के लिए लोग अपनी समस्या अथवा शिकायत पंचायत के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं, जिन्हें समाधान के लिए संबंधित विभागों का निर्बंध निपटारे के लिए प्रेषित किया जा रहा है। जनमंच के अवसर पर 11 अगस्त 2019 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल पति चिन्हित पंचायतों के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। न्यायालय में विचाराधीन मामलों तबादलों इत्यादि से संबंधित मांगों पर जनमंच के दौरान चर्चा नहीं की जाती है और उन्होंने लोगों से आग्रह किया वे इस तरह के मामले उठाने से परहेज करें। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने पर ज्वालामुखी में बीजेपी कार्यकर्ताओं व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शहर में लड्डू बांटकर और ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। युवाओं ने भारत माता की जयकार के भी नारे लगाए। इस मौके पर सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने पर खुशी व्यक्त की। एनएसयूआई हमीरपुर ने जयराम सरकार के हिमाचल सचिवालय में गैर हिमाचली व्यक्तियों को भर्ती करने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जयराम सरकार होश में आओ के नारों के साथ सचिवालय गूंज उठा। एनएसयूआई प्रभारी अभी शर्मा ने बताया कि ये धरना प्रदर्शन सचिवालय में नियुक्त किए गए बाहरी राज्यों के अधिकारियों को हटाने के लिए किया गया है। धरने प्रदर्शन के उपरांत एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त हमीरपुर को एक ज्ञापन भी सौंपा और धरना प्रदर्शन में करीब एक दर्जन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35 ए हटाए जाने और जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम दिन है। कांग्रेस द्वारा की गई एक ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से किए वादे को न केवल पूरा किया बल्कि अखंड भारत के निर्माण की नींव रख दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान सरकार ने देश की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कदमों पर
चलते हुए गृह मंत्री ने कश्मीर से धारा 370 खत्म करके देश की जनता की आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरे हैं। कांग्रेस ने 70 वर्ष पहले जो ऐतिहासिक गलती की थी, इस निर्णय के द्वारा उस गलती को सुधारा गया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A के कारण कश्मीर देश के साथ नहीं मिल पाता था, मगर अब पूरा भारत एक हुआ है, भारत की अखंडता एक हुई है।